दोस्तों आदाब, मैं शराजी और आप देख रहे हैं नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की बैठक हुई संपन्न। 11 मई 2022 को मंडल मुख्यालय स्थित सभा कक्ष में नव गठित मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता करते हुए मंडल रेल प्रबंधक धनबाद श्री आशीष बंसल ने विगत समय में मंडल द्वारा हासिल उपलब्धियों एवं यात्री सुविधा में किए गए बढ़ोतरी की चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस मंडल ने माल लदान से आय में भारतीय रेल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। कोयला के लदान के अलावा मंडल से बॉक्साइट, आयरन, फ्लाई ऐश, रेड मड आदि की भी लदान की जाती है। धनबाद स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने का प्रयास है। 85 स्टेशनों पर वाईफाई की फ्री सुविधा मुहैया कराया जा चुका है। कोविड में बंद की गई बेडरोल की सुविधा को भी क्रमशः शुरू किया जा रहा है। गोमो स्टेशन पर बनाया जा रहा पैदल उपरिगामी पुल का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाए। गोमो स्टेशन के दक्षिणी तरफ पार्किंग एवं विद्युत की व्यवस्था की जाए। उन्होंने अन्य उपलब्धियों की भी चर्चा की। इसके पूर्व मंडल रेल प्रबंधक ने दीप प्रज्वलित कर इस बैठक की शुरुआत की। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए, जिस पर रेल प्रशासन द्वारा सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया गया। बैठक का संचालन वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक धनबाद श्री अखिलेश कुमार पांडे ने किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री आशीष कुमार ने किया।